तो हेलो दोस्तों, मेरा ऐसे का और एक नई और फ्रेंड रूम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पोको M3 प्रो में अल्ट्रा हाई ग्राफिक में फ्री फायर टेस्ट करेंगे। तो इधर देख लो, अल्ट्रा का हाई FPS भी ऑन कर ले और दोस्तों फ्री फायर को खेलेंगे। पोको का न्यू फ़ोन पोको M3 प्रो जो हाल ही में 5G फ़ोन लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर में, जो अभी तक इंडिया में सभी के पास आया नहीं हो। सो गाइस, अभी हम इस फ़ोन के बारे में बात करेंगे, कैसा परफॉर्मेंस रहता है इस फ़ोन 5G फ़ोन का। पोको का तरफ से पहला 5G फ़ोन है पोको M3 प्रो। आप लोगों को बहुत सारे फ़ोन ऐसे देगा पोको M3 मतलब जो फ़ोन था पहले उनसे तो अच्छा होगा पोको M3 प्रो, क्योंकि इसमें 5G का डायमंड चिप मतलब 5G का बहुत अच्छा चिपसेट देखने को मिलता है। और दोस्तों, इस फ़ोन में ग्राफिक की बात करूँ तो देख लो आप लोग, इधर साइड में गेम प्ले चल रहा है, ग्राफिक भी बहुत अच्छा है, हाई ग्राफिक पे चल रहा है। अगर FPS की बात करो तो 60 FPS से कंटिन्यू दे रहा है। अभी दोस्तों, जो हमारा मेन टॉपिक आता है, बैटरी बैकअप कितना देर तक देगा, फ़ोन में लैगिंग हीटिंग इशू कैसा देखने को मिलेगा, आज हम इसी वीडियो के अंदर में बात करेंगे। क्या आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए 5000 मतलब जो 5G फ़ोन है न्यू लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, अगर लेना भी चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहना, वीडियो पे अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आता तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो दोस्तों, पहली बार बोल रहा हूँ, फ़ोन की जो सेंसिटिविटी है बहुत अच्छा है, 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और हेडशॉट की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा हेडशॉट लगता है, इधर देख लो आप लोग हेडशॉट। और दोस्तों, जो फ़ोन की बैटरी की बात करूँ तो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देता है पोको का फ़ोन में, तो पहले से बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देता है, ओवरऑल बहुत अच्छा फ़ोन है। अगर लाइव स्ट्रीम की बात करूँ तो आप लोग इस फ़ोन में लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड पे कर सकते हो, अल्ट्रा हाई ग्राफिक पे कर नहीं सकते हो, तो आपका मर्ज़ी। अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम पे लिए चेंजना चाहते हो इस फ़ोन में, तो आप लोगों को इस फ़ोन से आप लोग अल्ट्रा पे नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड पे कर सकते हो। और दोस्तों, कंटिन्यूसली आप लोग 12 आवर तक खेल सकते हो स्टैंडर्ड में, अगर आप लोग अल्ट्रा हाई ग्राफिक पे खेलते हो तो 8 आवर तक कंटिन्यूसली देगा। तो दोस्तों, वीडियो पे बोलना आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और दोस्तों ग्राफिक भी कैसा लगा, सेंसिटिविटी भी कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बोलना। और दोस्तों, जो भी भाई आ रहे हो चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, हीटिंग की बात करो तो मैंने 1 आवर तक फ्री फायर को टेस्ट किया था, उधर 41 डिग्री तक चला गया था, हीट होता था बहुत ही। पोको का फ़ोन है आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, क्योंकि दोस्तों पोको का जो अभी का न्यू चिपसेट है डायमंड सिटी का जो प्रोसेसर है अभी तक किसी फ़ोन में आया नहीं हो, तो फिर फ़ोन तो थोड़ा मोटा हीटिंग होगा ही, हीटिंग का थोड़ा इशू है। अगर आप लोग चाहते हो तो फिर कुछ दिन बाद लेना, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, उसके बाद में 2-3 महीने फिर से इसी फ़ोन का रिव्यू देगा देने वाला हूँ इस फ़ोन के बारे में कैसा चलने वाला है। सो दोस्तों, आप लोग तो देख लो गेम प्ले, ओवरऑल बहुत ही अच्छा है सेंसिटिविटी। अगर आप लोग इसके मत में 5G फ़ोन लेना चाहते हो तो इस फ़ोन को ज़रूर ले सकते हो, और अलावा अगर आप लोग किसी और फ़ोन को लेना चाहते हो तो पोको X3 प्रो को लेना, पोको का बहुत अच्छा फ़ोन है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हो और गेम प्ले को आप लोग एंजॉय करते रहना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।